हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं एग्जाम नोट्स फॉर द न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर जो कल है, मंडे को है। आई होप जो कल हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, वो आप लोग रिवाइज कर चुके हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू बीटा डिके विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि बीटा डिके का जो प्रोसेस है उसके ऊपर न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दी गई थी बाय पॉली, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली बीटा डिके जब हुआ था उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, क्या क्या थ्योरीज जो हैं वो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, उसके बाद व्हाट डिड पॉली सजेस्टेड एंड हाउ डिड ही क्लेरिफाइड एवरी प्रॉब्लम विच वॉज बींग फेस्ड बिफोर ही इंट्रोड्यूस्ड हिज हाइपोथेसिस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद कि सबसे पहले जब हमने बीटा डिके को ऑब्जर्व किया तो उस टाइम पे हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली, क्या क्या उसके कारण प्रॉब्लम्स आई, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जब बीटा डिके को ऑब्जर्व करा गया एंड इट वॉज प्लॉटेड अगेंस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स जो एमिट हुए थे वर्सेस उनकी क्या काइनेटिक एनर्जी थी, तो इट वॉज ऑब्जर्व कि मेरे पास जो एक्सप्रेशंस या जो अमाउंट ऑफ एनर्जीज निकल के आई उनको अगर मैं प्लॉट करूँ तो मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस कर्व निकल के आया। फर्स्ट थिंग वॉज दिस थिंग, लेकिन वी सेड कि जो मेरी एनर्जी का ग्राफ आया वो एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, वेयर एज जब भी हम बीटा पार्टिकल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है एंड अगर वो इधर से उधर ट्रांजिशन भी करता है तो हमारी जो एनर्जी चेंजेस होते हैं वो भी डिस्क्रीट लेवल्स के अंदर होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो नहीं आता है। तो दिस वॉज द मेजर कॉन्ट्रडिक्शन जो मेरा ऑब्जर्व हुआ इस ग्राफ का, जो मेरे पास ऑलरेडी थ्योरीज थी उनके साथ। सेकेंड कॉन्ट्रडिक्शन वॉज कि जो एनर्जीज ऑब्जर्व हुई उसकी रेंज क्या थी कि सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, उसके बाद जीरो से लेके आई वेंट टू सम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर दोज बीटा पार्टिकल्स विच वॉज नोन एज एंड पॉइंट एनर्जीज, राइट। इस ग्राफ के अंदर यू कैन सी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो से लेके एंड पॉइंट एनर्जी तक है एंड कॉन्टिन्यूस है। थर्ड पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखूँ तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, सो कुछ एक एवरेज एनर्जी निकल के आई जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ने कैरी कर रखी थी इंस्टेड ऑफ एंड पॉइंट एनर्जी जो हमारे पास होनी चाहिए, जो हम आगे देखेंगे कि क्यों होनी चाहिए, राइट। सो दिस वॉज द सेकेंड कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज अगर मेरे पास बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे ही लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकलनी चाहिए जो कि नहीं निकली। सिर्फ कुछ ही बीटा पार्टिकल्स के पास वो एनर्जी थी, बाकी सबके पास उससे क्या थी, कम थी, राइट। दिस वॉज माई सेकेंड कॉन्ट्राडिक्शन। थर्ड वन वॉज काइनेटिक एनर्जी का हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का हो गया। थर्ड कम्स कि हमारे पास जो बीटा पार्टिकल है वो एक फर्मियन है, दैट मीन्स उसकी जो स्पिन है दैट इज़ हाफ इंटीग्रल। तो अगर मेरा बीटा पार्टिकल डिके होता है तो मेरा चेंज इन स्पिन इंटीग्रल ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी कितना आना चाहिए, हाफ इंटीग्रल ही आना चाहिए, क्योंकि हाफ इंटीग्रल का मैंने बाहर भेजा है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, या तो कोई चेंज नहीं था, अगर चेंज था तो वो इंटीग्रल था, हाफ इंटीग्रल कभी भी नहीं आया। सो दीज वर थ्री मेजर कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहली एनर्जी का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इन प्लेस ऑफ डिस्क्रीट लेवल्स, सेकेंड वॉज कि मेरे पास जो भी बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे उनकी जो एनर्जी थी इट वॉज नॉट एंड पॉइंट एनर्जी और इट वॉज नॉट फिक्स एनर्जी फॉर ऑल द बीटा पार्टिकल्स, उनके एनर्जीज कम थी। एंड द थर्ड वन वॉज कि उनका जो स्पिन के अंदर चेंज आया दैट वॉज ऑल्सो वायलेटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन, ठीक है। अब इन्हीं को अगर मैं डिटेल में जाना चाहूँ तो कैसे बोलेंगे, विल स्टार्ट विद रिलेटेड टू द कर्व द ऑब्जर्वेशंस वॉज बीटा रे स्पेक्ट्रम वॉज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम एनर्जी विच वॉज नोन एज एंड पॉइंट एनर्जी। ऑल्दो न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स एंड एनर्जी ट्रांसफर ऑल्सो अकर्स इन डिस्क्रीट लेवल्स, सो देर वॉज कॉन्ट्राडिक्शन। सेकेंड ऑल्सो बीटा आर फर्मियंस, दे हैव स्पिन ऑफ हाफ,
So, on exchange or decay of beta, the change in spin of the nucleus should be half integral, but it was observed to be zero or integral change, right? Ab, if I have to explain it in detail, we'll start with these 5 points. I'll say कि सबसे पहली difficulty क्या face हुई, conservation of energy. अब conservation of energy तो हर जगह apply करता है, तो let's see कि मेरे पास कोई parent nuclei है, उसने क्या किया, एक beta particle और एक daughter nuclei को emit किया, ठीक है, normal decay है, सिर्फ 3 particle है, तो I'll say when a beta particle is emitted, a neutron is converted to proton inside the nucleus, ठीक है, so मेरा जो atomic number है, it increases by 1, although atomic mass number remains the same. Now, according to conservation of energy, मेरी initial energy क्या रहेगी, rest mass energy of parent nuclei, mpc square plus MPC square के nuclei की rest mass energy plus उसके around कितने electrons revolve कर रहे हैं, उसका atomic number Z, MEC square, electron है तो negative, so this was my only particle initially, तो इसकी जो मेरी initial energy आई वो ये आई. After the emission of beta particle क्या होगा, daughter nuclei के rest mass energy आएगी, daughter nuclei के around कितने electrons है, Z+1, यहाँ पे हमने लिखा ना, Z+1 हो जाएगा, तो उतने electrons की rest mass energy plus ये वाली किसकी आएगी, MEC square, ये आएगी मेरे beta particle की, and Q, Q is my, basically Q denotes the amount of heat energy or amount of energy which is being exchanged during beta decay, ठीक है, इसको हम अभी Q ही लिखेंगे. अब देखो, minus Z इधर है, minus Z plus 1, minus 1 होगा, ये cancel out होगे, Z के सारे terms निकल जाएंगे, तो Q क्या बचेगा, rest mass energy of parent nuclei minus rest mass energy of daughter nuclei, so this much amount of energy was released when a beta particle was emitted. Right? So, according to this relation, all beta particles should be emitted with the same maximum energy. इसके अंदर कहीं पे भी किसी तरह की कोई dependency नहीं आ रही है किसी चीज से कि मैं बता सकूं कि जो मेरा beta particle है उसके energy change हो, नहीं आ रही है. तो it was expected कि ये जो beta particle होगा उसके पास ये जो Q energy है, ये same energy उसको contribute करी जाएगी, and it will carry the same this Q amount of energy which is known as the endpoint energy, but this was not the case. So where did this extra energy go? मेरे इसके पास तो थी नहीं, तो ये energy कहाँ गई? First thing, energy of conservation was violated. Now second is conservation of linear momentum. अब linear momentum का conservation कैसे show करेंगे? I'll say कि कोई भी एक parent nuclei जो है वो decay हो रहा है beta particle के अंदर और daughter nuclei के अंदर, ये at initial time was at rest, तो इन दोनों को जो decay हुआ है, they should fly off in exactly opposite directions to maintain or to conserve the linear momentum or to conserve the momentum of the system, but this was not the case. Observation में क्या आया कि इन दोनों की कोई भी एक random direction आ रही थी which were not exactly opposite to each other, तो मेरा conservation of linear momentum भी क्या हो गया, violate हो गया. दो laws तो basically जो basic laws हैं वो तो violate हो गए. थर्ड इज एंगुलर मोमेंटम पे आ जाते हैं. अब बीटा पार्टिकल एमिट करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन लॉस हम इससे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ही करने वाले हैं, कितनी तरह की हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है और कितनी तरह के हमारे कंजर्वेशन लॉस होते हैं, तो डो नॉट पैनिक अगर यहाँ पे एक आधी जगह पे आपको समझ नहीं आ रहा, जस्ट इसके बाद वाले सेक्शन में ही हम वो टॉपिक उठाने वाले हैं, राइट. सो आई विल से कि जो भी मेरी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उसके अंदर चार्ज भी क्या होता है, कंजर्व होता है. तो मेरे पास बीटा डिके के बेसिकली दो मेथड्स आएंगे. फर्स्ट पॉसिबल वे इज अ प्रोटॉन डिकेज इनटू न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. बीटा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है, जीरो एंड पॉजिटिव सेम चार्ज रहा. और द अदर केस इज न्यूट्रॉन डिकेज इनटू क्रिएटिंग अ प्रोटॉन एंड अ बीटा पार्टिकल.
सो नेगेटिव पॉजिटिव टोटल चार्ज मेरा कंजर्व हो रहा है, दो ही तरीके रहते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल, ये सब क्या हैं? हाफ इंटीग्रल पार्टिकल्स हैं. तो अगर इनकी सबकी हाफ हाफ को मैं ऐड करूं तो मेरा क्या हो रहा है? कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहा है. कैसे हो रहा है? बिफोर द रिएक्शन यहाँ पे क्या है, एक ही पार्टिकल है तो हाफ, यहाँ पे हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा? फुल इंटीग्रल नहीं हुआ कंजर्व. सिमिलरली इस केस में तो वी से कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो वायलेटेड. नेक्स्ट इज जो मेरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था, ये जो मेरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स करे गए, अलग अलग स्कैटरिंग प्रोसेसेस को ध्यान में लेके या अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. एवरी अटेम्प्ट वॉज फेल्ड. ठीक है, लास्ट वन इज कि जब भी मेरा बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा था या बीटा डिके हो रहा था, मैंने उस सैंपल को क्या किया, एक वेरी डेलिकेट कैलोरीमीटर के अंदर रखा. कैलोरीमीटर इज नथिंग बट टू मेक द सिस्टम आइसोलेटेड. कैलोरीमीटर जो होता है वो अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं जाने देता, बाहर के अंदर नहीं आने देता अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को. ऑल्सो जो भी थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है तो इट कैन मेजर वेरी एक्यूरेटली. तभी मैंने बोला एक डेलिकेट कैलोरीमीटर के अंदर. तो उस पॉइंट के अंदर इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैलकुलेट या ऑब्जर्व या नोट करी गई, इट वाज मोर अराउंड द एवरेज एनर्जी इंस्टेड ऑफ एंड पॉइंट एनर्जी. अब ये बाकी की एनर्जी कहाँ गई? कैलोरीमीटर तो एब्जॉर्ब नहीं करता ना वो बाहर रिलीज करता. तो अगेन देर वॉज अ कॉन्ट्रडिक्शन. तो इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वी सेड कि बीटा डिके को इंटरप्रेट करने के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी. अब पॉली आया, ही सेड एक नया पार्टिकल जो है वो बीटा जब भी डिके होगा उसके साथ एक नया पार्टिकल निकल के आएगा विच इज अ न्यूट्रिनो पार्टिकल. इसीलिए नेम इज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस बाय पॉली. He said during beta decay along with beta a new particle neutrino is also emitted in each and every case. इसी से उसने ये जितनी भी difficulties face हुई उन सबको क्या कर दिया? Resolve कर दिया. ऐसा कौन सा particle था भाई जिसने सारी चीज़ों को एक second के अंदर solve कर दिया? तो ये जो particle था, सबसे पहले अगर आप किसी particle को introduce करो तो first of all आपको उसकी सारी properties बतानी पड़ेगी, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे या किसी के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे. तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक बारी न्यूट्रिनो की जो है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर आई एल एक्सप्लेन कि ये सारी जो डिफ़िकल्टीज थी ये न्यूट्रिनो ने कैसे सॉल्व करी. राइट right?